ओम शांति, आप सबको स्वागत है। अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 31 अगस्त की, जहां पे परमात्मा चाहते हैं कि हम हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, हर दिन अपनी कमजोरियों को हटाते रहें और हर दिन हम नवीनता लाते रहें कि हम अपनी कमजोरियों को हटाने का तरीका क्या है। देखा जाए तो हर एक आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है। मेरा जो तरीका है वो आपको सूट नहीं कर सकता है, आपका तरीका आप मेरे को सूट नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल आत्मा है, अलग भावनाएं, अलग एक्सपीरियंसेस के साथ में। तो आपकी दवाई अलग है, मेरी दवाई अलग है। यानी कि हर किसी के लिए पैरासिटामोल है, ये वो वाली दवाई नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में हर एक की दवाई अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की भावनाएं अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग है समझने की। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर हमें भी क्या करना है, हमें नई नई दवाइयां खानी है, ताकि हमें पता चले कि इस दवाई से असर पड़ता है कि इस दवाई से असर पड़ता है, और उसकी खोज हमें खुद करनी है। उसके चार सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो परमात्मा कहते हैं चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भवा। अगर हर दिन आप आलू खाएंगे, हर दिन गोभी खाएंगे, हर दिन पराठे खाएंगे, तो आप समझते हैं ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर दिन नवीनता लाओ। ये नहीं कि मेडिटेशन करो तो एक ही तरीके से करो। अगर आप मुरली सुन रहे हो तो आप उसमें अलग तरीके से मुरली सुनो, कभी लिख करके सुनो, कभी कोई पॉइंट अच्छा लगा उसको सुनो, कभी आप उसमें से कोई चीज मिली है तो उसको अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाना है उसके पॉइंट्स का निचोड़ निकालो। उसको कहते हैं नवीनता, यानी कि सुन लिया और रख दिया और भूल गए। परमात्मा कहते हैं ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। अब यहाँ पर हमें 4 पेज की एक मुरली मिलती है। मुरली मतलब कि स्पिरिचुअल गाइडेंस। उसको सिर्फ सुन लिया लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं आया तो आप 10 साल तो नहीं, आप 1 साल में थक जाओगे। थकना क्यों होगा? क्योंकि आप सुन तो रहे हो लेकिन आपने उसको अपने अंदर समझा नहीं, या उसके ऊपर आपने चिंतन नहीं किया, आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी कि क्या है एग्जैक्टली इस मुरली में, कौन सा पॉइंट है जो कि मैं इस्तेमाल करूं ताकि मेरा माइंड और इंटेलेक्ट और इमोशन भी स्टेबल रहे। उसको यूज ही नहीं किया तो सुनने का फायदा क्या हुआ, है ना। तो परमात्मा कहते हैं जो अपने में कमी हो उसे खत्म करने जाना, करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए। नॉलेज, नॉलेज के बाद में हम समझ आता है कि हमें एक्चुअली मेडिटेशन करनी किसके ऊपर है। मेडिटेशन मतलब कि करना किसको और किसके साथ करना है, और मेडिटेशन का दूसरा मतलब है कि अपने आप को पहचानना और अपने अंदर परिवर्तन लाना। तो पहचाना कि मेरे अंदर कमी कमजोरियां क्या है, और अपने फिजिकल सेल्फ को नहीं पहचानना, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को पहचाना और उनके स्पिरिचुअल सेल्फ से जुड़ना, क्योंकि उनका कोई फिजिकल सेल्फ है नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि योग, योग मतलब कि कनेक्शन मुझ इन्फाइनाइट एनर्जी का, बेहद की ऊर्जा का और बेहद अनंत ऊर्जा के साथ में कनेक्शन, वो कैसे हो। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रकृति में नवीनता। 4 सब्जेक्ट क्या है? आपने नॉलेज ली, आपने पहचाना कि मेरे अंदर कमी कमजोरियां क्या है। सेकंड, आपने उनको मेडिटेशन से, परमात्मा से पावर लेकर के, लव पीस प्योरिटी उनसे लिया और उसे नहीं मांगा। और उसे मांगो तो आप कभी, आपकी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। कौन सी बीमारी नहीं खत्म होगी? संतुष्टता की बीमारी नहीं खत्म होगी, मोह की बीमारी नहीं खत्म होगी, लोभ की बीमारी नहीं खत्म होगी, क्रोध की बीमारी नहीं खत्म होगी, असंतुष्टता की बीमारी नहीं खत्म होने से सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि आप औरों से प्यार मांग रहे हो, औरों से अटेंशन मांग रहे हो, औरों से इच्छाएं आपकी। परमात्मा की सारी इच्छाएं मेरे से रखो, तो औरों से इच्छा ना रखो तो आप सुखी रहोगे, स्टेबल माइंडेड रहोगे, स्टेबल इमोशनली रहोगे। क्या आप नहीं चाहते हो वो रहो आप? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप इमोशनली स्टेबल रहो? क्या आप नहीं चाहते हो कि आप मेंटली स्टेबल रहो? तो औरों से प्यार मांगना और उसे इच्छाएं रखना कम कर देना। अब ये क्या बात है? इसका मतलब क्या मैं रूड हो जाऊं? इसका मतलब क्या कि मैं औरों से दूरी कर लूं? क्या मैं औरों से नफरत कर लूं? नहीं, परमात्मा कहते हैं कि औरों से प्रेम करते हुए, औरों की अच्छाइयां देखते हुए अपने आप को स्टेबल रखना, अच्छा बना करके रखना, इसका ये मतलब है, और मुझसे जुड़े रहना। फिर परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान हो गया, आपने मेडिटेशन करी, आपने अपने को इम्प्रूव किया, आपने अच्छे क्वालिटीज को इम्बाइब किया, कहते हैं दिव्य गुण, 3रा सब्जेक्ट। और 4था सब्जेक्ट है जब ये सब कुछ आपके अंदर बढ़ता जाएगा तो आप उन्हीं चीजों के ज्ञान के साथ में, मेडिटेशन के साथ में और क्वालिटीज के साथ में आप औरों की हेल्प करो। अगर आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप खुद ही इरिटेट हो जाते हो, तो औरों को कैसे सिखाओगे? अगर आपके अंदर खुद ही गुण नहीं है मधुरता के, खुद ही पवित्रता के गुण नहीं है, परमात्मा कहते हैं आप औरों को क्या सिखाओगे, कैसे सिखाओगे? तो पहले अपनी सेवा करो, अपने आप को परिवर्तन करो, फिर औरों को परिवर्तन। फिर परमात्मा कहते हैं प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता। आप किस तरीके से औरों को हेल्प कर रहे हो? हर दिन सेम घिसा पिटा अगर आप लेक्चर सुनाओगे तो औरों को नवीनता महसूस नहीं होगी, बोर हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं नवीनता सेवा में नवीनता, औरों की सहयोगी बनाने, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता, मतलब कि औरों को हेल्प करना कि उनकी मेडिटेशन इम्प्रूव होते जाए
और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, आत्मविश्वास, आत्मभरोसा और आत्मचिंतन बढ़ता जाए, जिससे कि शक्ति बढ़ती है आत्मा की और डिप्रेशन जैसी बीमारियां और बहुत सारी चिंता वाली बीमारी सर खपता होती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, मैं नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना, मतलब कि आप बहुत स्पीड से चल रहे हो, इसका मतलब तीव्र चल रहे हो आप, आपकी मेहनत इस चीज में ज्यादा है। अब लोग सोचते हैं कि दुनिया में है ही इतनी सारी मेहनत करने का है, कमाई करने में मेहनत लगती है, खाने पकाने में मेहनत लगती है, घर को संभालने में मेहनत लगती है, अब ये मेहनत क्यों करें। परमात्मा कहते हैं कि जब आप ये मेहनत कर लेते हो तो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति आती है कि आपको संकल्पों के द्वारा ही आप काम करवा लेते हो, इतनी ताकत आती है, आपको फिजिकल एफर्ट डालना नहीं पड़ता इतना, आप सोचते हो पवित्रता से औरों के भले के लिए तो आपका भला होना शुरू हो जाता है वहां तक पहुंचने में। उसमें क्या होता है, दुनिया दूसरी तरीके से क्या होता है, मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही आगे चलूं, मैं ही कमाऊं, मेरा ही प्रमोशन हो, मैं ही प्रमोट हूं, मैं ही बिजनेस में आगे बढ़ूं और उनको नीचे दबाते हुए आगे चलूं। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, उसमें आपकी तबीयत खराब हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, आपके संबंध खराब हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता, आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं लाइफ को। किस प्रकार की लाइफ चाहिए आपको, अब आप सोचिए खुद ही। तो ये वो तरीका है जिसमें कि हम फिजिकल से नॉन फिजिकल में जाते हैं, हम पारा भौतिक ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं भौतिक दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए। फिर परमात्मा कहते हैं, करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना, इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। किससे समीपता? परमात्मा से समीपता, परमात्मा के रीतियों से समीपता, परमात्मा ने कैसे इतने सहज तरीके से दुनिया को बनाया था उसकी समीपता। आपको क्या लगता है परमात्मा बैठ करके बड़े लेबर करते हुए, बड़ी मेहनत करते हुए, बड़े हथौड़े मारते हुए दुनिया को बनाया? नहीं, संकल्प से बनाया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब उनकी रचना है तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, सोचिए इस चीज के बारे में। इसके साथ ओम शांति।